बैठक का मुख्य मुद्दा यही है कि मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के अंतर्गत हम अपने अपने क्षेत्र से जो वार्ड पार्षद के रूप में चुन के आते हैं, हमारे सदन में हमको जन समस्याओं को उठाने का, उस सदन का सदस्य होने का जो गौरव अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हम जन समस्याओं को उठाते हैं। उन जन समस्याओं को जब हम लोगों ने नगर आयुक्त के द्वारा नियम संगत धारा 49 का पारा 3 के तहत हम लोगों ने उनको सूचना भेजी कि हमारे इस एजेंडे को शामिल किया जाए, वो एजेंडा कौन कौन सा है। मुजफ्फरपुर सड़कों का 13 वर्ष से वर्गीकरण नहीं हुआ है। 8 फीट की 10 फीट की सड़क प्रधान मुख्य सड़क में है, वो उसको वर्गी, जबकि 5 साल नियम कहता है कि हर एक 5 साल पे उसका वर्गीकरण का अद्यतन अध्ययन होना जरूरी है। ट्रेड लाइसेंस और प्रोफेशनल टैक्स, सेल टैक्स विभाग भी ले रहा है प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस निगम ले रहा है, चूँकि निगम क्षेत्र में ट्रेड लाइसेंस लगाना नगर निगम नियमावली के तहत बाध्यता है, लेकिन प्रोफेशनल टैक्स देना हमारी बाध्यता नहीं है। हम इस मुद्दे को लाना चाहते थे। हम यूजर टैक्स के रूप में जो भ्रांतियाँ हैं, मंत्रालय से चिट्ठी आती है 1000 रुपये महीना गोडाउन का वर्गीकरण क्या है, दुकान का वर्गीकरण क्या है, इस मुद्दे को लाना चाहते हैं, इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। कई घर वालों से पिछले साल का 1566 का रसीद कटा, दो रूम उसने अगर अपना एक तल्ला और बना लिया तो कहता है नहीं, इसको भी पिछले साल में ही काउंट करेंगे, इसका 600 रुपया पिछला साल का भी दीजिए और 600 का एक साल का लेट ब्याज भी दीजिए। जन्म मृत्यु में हम लोगों ने कहा कि भाई जो 21 दिन के बाद के बच्चे या जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद लोग अगर 22वां दिन आते हैं तो उनको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके मतलब ये हैप्पी रिपीट कराना पड़ता है, फिर BDO के पास जाना पड़ता है और उसके बाद निगम बनाता है। क्यों नहीं वो व्यवस्था निगम में ही कर दी जाए ताकि हम लोगों को, हम अपनी जनता को सहूलियत दे सकें। तो इन मुद्दों से एक शख्स है जो अपने आप को निगम का सर्वे सर्वा समझते हैं, उनको यह लगा कि ये जो पार्षदों की जागरूक टीम है, ये पार्षद लोग हीरो हो जाएंगे। तब महापौर के कान में बीन बजा दिए कि बैठक समाप्त कर दीजिए। मुद्दों से भटकाव की वजह भटकाव क्यों? भटकाव वो शख्स, नाम नहीं लूंगा, लेकिन आदरणीय नगर विधायक जी के नाम से अभी वर्तमान में है। पिछले चुनाव से भी आप लोग का ये, इससे पहले वाला भी लगातार विवाद चल रहा, अभी विवाद शांत नहीं हुआ। विवाद क्या, विकास के मुद्दे पर मैंने तो कहा, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। जब तक कोई बड़ा भाई अपने को बड़े भाई के रूप में रखेगा तो संपत्ति का बंटवारा होगा, जिस दिन पिता के रूप में आ जाएगा उस दिन उसके पुत्र की उपलब्धि में वो अपनी उपलब्धि, आप जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने बच्चों के पिता हैं, आप लोग सभी चाहते हैं कि मैं आज अगर किसी मीडिया चैनल में काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा मीडिया चैनल का मालिक बने, हर बाप चाहता है उसका बेटा उससे अच्छा बने। लेकिन नगर विधायक जी का सोच एक ही है, मैं मेरे बाद कोई नहीं, तो ये अंतर जो है। नगर विधायक की बात आ रही है इस मीटिंग में, उनका क्या इसमें रोल है? नगर विधायक का रोल यही है कि नगर विधायक अभी महापौर को गुमराह करके, उनका जो एक सो कॉल्ड स्टैंडिंग का महापौर का मेंबर है, वो हम लोगों को पता चला, उसमें उसने यही बताया महापौर को कि बोर्ड सफलतापूर्वक चलने के लिए 26 पार्षदों की जरूरत है। कांग्रेसी के समर्थन में भाजपा की, पहले एक प्रश्न का जवाब, तो 26 पार्षद की जरूरत होती है किसी प्रस्ताव को पारित कराने में, तो वो सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर जो है यह महापौर को समझाने में सफल हो गया। महापौर महिला है, बिचारी नई नई है, जानकारी का अभाव है, अच्छी है पर जानकारी का अभाव है। हाँ गुमराह क्या, मैंने तो धारा 25(5) पढ़ के, अभी हम लोग अगर इसको लीगल में चले जाएं तो उनकी उनकी महापौर का पद चल जाएगा 3 ठोकर में भाई साहब। कांग्रेस विधायक की बात क्यों मान रही है भाजपा समर्थित महापौर? ये एक मिनट इस पर हम बताते हैं कि आज लास्ट टाइम हम समझते हैं कि लगभग दर्जनों पार्षद को 15 दिन एक महापौर ले, वह पार्षदों को बताते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, मेरा 5 वो लोग स्टैंडिंग में है। अब बात तो सही है,
कि रियल में मुजफ्फरपुर में जो स्थिति बनी हुई है और भाजपा गठबंधन और कांग्रेस से यह गठबंधन जोड़ है जो सामने नजर पड़ रहा है, निश्चित रूप से जो लोग कबूतर उड़ा रहे थे उन लोग मेयर के स्टैंडिंग में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, एक तरफ कमल और एक तरफ कांग्रेस, दोनों तरफ का ये दोनों मिक्स, मतलब दोनों का गठबंधन चल रहा है, दोनों का गठबंधन, इसमें जनता पीसेगी, उसमें अजय भाई जनता पीसेगी, इसमें जनता पीस रही है। मैंने तो इतना ब्रीफ किया आप लोग के सामने ना है, ये सारे मुद्दे जनता के हैं। आज महापौर की स्थिति ये है कि महापौर के पास अपने स्टैंडिंग में एक भी पार्षद उनका अपना नहीं है, बात को समझिए, यही कारण है। आगे की रणनीति ये है कि 15 दिन के अंदर महापौर अगर बोर्ड की विशेष बैठक बुला के मेरे तीनों पत्र और सनत भाई हमारे वार्ड 29 के माननीय वार्ड पार्षद के पत्र पर जो प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं, अगर 15 दिन के अंदर विशेष बैठक बुला के उसको चर्चा करके उस पर विधि सम्मत निर्णय नहीं लेती हैं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे। ये तो महापौर को अल्टीमेटम है, लेकिन नगर विधायक को यह अल्टीमेटम है कि हम लोगों का नगर विधायक के खिलाफ बिगुल फूका गया। आज अभी से मैं आप लोगों को एक पत्र भी दूंगा, अभी पंपलेट, कि हम लोग मुजफ्फरपुर के 40,000 दुकानदार और करीब करीब 60,000 घर वालों के पास हम लोग एक एक घर में जाएंगे और उस पंपलेट में सारा जिक्र है कि ये एजेंडा, ये विकासशील मोर्चा, ये विकास को पसंद करने वाले आम नागरिकों के दर्द को समझने वाले पार्षद ये एजेंडा लाना चाहते थे। आपने जिस नगर विधायक को 2020 में चुना उसने इस एजेंडे पे बहस नहीं होने दी। 2024 में वो जो है ना अंगूर के तरफ देख रहा है पार्टी। अच्छा, तो आप कह रहे थे अंगूर के तरफ देख रहा है, पहले सुन लीजिए, अंगूर के तरफ देख रहा है कि 24 के लोकसभा भी लड़ेंगे और फिर 25 में विधानसभा भी, तो जनता के अदालत में हम पार्षदों का मोर्चा जाएगा और उनसे उनको जानकारी देगा कि अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग को अगला चुनाव हरा दीजिए, और ये व्यक्ति गलत है अगर ये आपके हित की बात नहीं सोचता है तो इसको वोट देने की बजाय इसका बहिष्कार कीजिए। क्या पंजा ने कमल को पकड़ रखा है? हाँ, ये बात राहुल गांधी जी, मैं आपके माध्यम से, आपका नाम भी राहुल है, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और मैं समझता हूँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी और मतलब ये नीतीश कुमार जी, तमाम महागठबंधन के लोगों तक आपके चैनल के माध्यम से यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपके कांग्रेस के पंजे पर, महागठबंधन के घटक दल के पंजे के टिकट लेके, सिंबल लेके मुजफ्फरपुर की जनता से वोट प्राप्त आशीर्वाद स्वरूप करके बीजेपी के गोद में बैठा। नगर आयुक्त की सर क्या भूमिका, नगर आयुक्त के बारे में बताइए, आप उनके बारे में। नगर आयुक्त ने तो अपनी भूमिका तय कर दी, नगर आयुक्त ने तो, हम पार्षदों ने उनसे डिमांड किया कि हमारे प्रस्ताव को लाया जाए, उन्होंने तो पत्र को प्रेषित कर दिया। ये पत्र आप देखिए, ये नगर आयुक्त जो है यहाँ क्या लिख रहे हैं, माननीय महापौर, माननीय उप महापौर, माननीय सभी पार्षदगण, मुजफ्फरपुर नगर निगम 20 के पार्षद के पत्रांक इतना के लाए गए एजेंडे को निगम बैठ की चर्चा करने के संबंध। विधायक आरोप लगा रहे हैं कि आप भी विधायकी करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, क्यों नहीं, एक मिनट हम जवाब दे देते हैं इनका। एक चीज हमको बताइए, आज आप सभी बंधु अपने अपने चैनल को जिस स्तर पे आप मेहनत कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि आज तक और एबीपी और जी न्यूज की तरह आपका भी, न्यूज 18 की तरह आपका भी नाम रोशन हो? आप नहीं चाहते? मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी, मुजफ्फरपुर की जनता तय करेगी 2025 का विधायक कौन होगा। लेकिन इतना आपको बता देते हैं कि अब वर्तमान नगर विधायक के लिए अब किसी सदन में जाना बहुत मुश्किल हो। लोकसभा की तैयारी चल रही है, लोकसभा की तैयारी करने का अधिकार है उनको, सबको अधिकार है, कोई भी खड़ा हो सकता है। और मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता जो जनता के हित की बात करेगा वही सदन में बैठा अपने आप को पाएगा, जो जनता के हित की बात मौनी बाबा के रूप में करेगा और निगम की बैठक में नहीं होने देगा वो रोड पे ही बउआएगा। इस बात को ध्यान रखिए, मुजफ्फरपुर की जनता जो है ना वो मतलब किसी को ताज भी पहनाती है, किसी को 10 साल जो है उनको रखी थी औकात में, इस बार बीमारी का बहाना कहिए,
कोरोना भी हो गया था, फिर हम लोगों को भी दया आ गई, बिटिया रानी उनकी आई, अच्छा लगा। लेकिन जीतने के बाद मुजफ्फरपुर की जनता की सेवा ईमानदारी से करते, पार्षदों को बांटते नहीं। उस बेचारे राकेश पिंटू जी का क्या कसूर बताइए, इतना रुपया कबूतर उड़वा दिया उनका। अब बताइए चढ़ गया, मतलब फिर दोस्ती कर लिया, मतलब जैसे बीजेपी के मेयर से, क्या कीजिएगा। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर, कॉल 9934753111। महाकाल के पावन महीने सावन में सबसे बड़ा कवरेज महीना बाबा का, देखिए सिर्फ मुजफ्फरपुर लाइव नाउ पर।